हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। अभी पापा घोड़ा में चारा पानी करने जा रहे हैं और ये चारा लेकर के आए हैं काटने के लिए मशीन में। तो पहले झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो बहुत सारे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। तो झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद फिर ये चारा काटेंगे। और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इतनी ज़्यादा इस टाइम पर ठंड हो रही है, धूप निकलती है तो, लेकिन धूप का असर ही ख़त्म हो जाता है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो पूरा दिन बिल्कुल आंधी सी चलती रहती है। इसी वजह से इतने पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं। तो अभी नहा करके ऊपर आ गए हैं चाय लेकर के। चाय बिस्किट खाएंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे। और ऊपर आकर के बैठ करके धूप में थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तो धूप भी लग जाती है और चाय भी पी लेते हैं। बिना चाय के तो अब काम ही नहीं होते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं खाने में बहुत ही टेस्टी चीज़ जो कि सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो है कढ़ी। तो इसमें मैंने हींग नमक डाल दिया है और पापा को दिया था एक लोगों ने, दुधाड़ी का जो दूध होता है उसी का माठा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गांव के जो लोग होंगे उनको पता ही होगा कि दुधाड़ी क्या होती है। मिट्टी का बनाया जाता है और उसी के अंदर कंडे में दूध को पकाया जाता है और उसी का माठा जब बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा। तो वही एक लोगों ने दिया हुआ है तो उसी की हम कढ़ी बनाएंगे। और इसमें सब कुछ मीठी नीम के पत्ते भी डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके, लाल वाले मिर्चे भी डाले थे। और मसाले में ही थोड़ा सा मट्ठा डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और ये वाला मट्ठा हमारे घर में इतना ज़्यादा पसंद है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसका रायता बनेगा या ऐसे भी छौंका जाएगा ना तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा खाना तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। कढ़ी चावल सब्जी रोटी, और कढ़ी इतनी टेस्टी बनी हुई थी कि सब ने बार बार खाया था, उंगलियाँ चाट चाट करके, बहुत टेस्टी लगी। और अभी पापा गए हुए थे हमारे यहाँ चंडिका देवी मंदिर, जो कि आपको मंदिर के पूरे दर्शन हमने एक वीडियो में कराया ही था। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की एक मिठाई है जिसको गुजिया बोला जाता है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में और ये और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो बनाई जा रही थी तो पापा ने इसको थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं कि ये गुजिया कैसे बनाई जाती है। और अभी तक हमने केवल खाया ही था लेकिन बनते हुए आज ही हमने भी देखा है, क्योंकि डेली ही उस टाइम पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं जिस टाइम पर ये बनाई जाती है, लेकिन आज पापा को दिख गया था तो हम लोगों ने भी देख लिया है। और आप लोग भी देखिए, जो आप वाइट कलर का देख रहे हो ये चीनी है जिसको कि इस तरीके से खींच खींच कर और उसके बाद फिर इसकी लोइयाँ तोड़ करके इसके अंदर खोया भरा जाता है। और खोए के अंदर जो भी इनको ड्राई फ्रूट्स डालना है, जैसे कि इसके अंदर है काजू और बादाम कुछ है, तो एक देखिए दादी बैठ करके इसके अंदर भरती जा रही हैं और फिर इसके गोल गोल लड्डू जैसे बनाए जा रहे हैं। और इस मंदिर में, चंडिका देवी माता के मंदिर में, ये गुजिया और एक पेड़े भी हैं, सोंधे सोंधे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए यहाँ पे ये काम चलता जा रहा है, चीनी को ऐसे ही खींच खींच कर टाइट करते जा रहे हैं और उधर उसके बाद लोइयाँ काटती हैं और फिर ये दादी इसको अंदर भरती हैं खोए को, और बस लड्डू बनते जा रहे हैं। और अभी कढ़ाई में चीनी चढ़ी हुई है, उसको पहले थोड़ा सा चाशनी बनाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई में चीनी को डाला जाता है और फिर ये ना एकदम ऐसे हो जाती है पन्नी जैसी, फिर इसको निकाल करके वहाँ पे देते हैं, तब फिर वो खींच खींच कर इसको टाइट करते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट हो गई, इसको तोड़ना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक थाली पे भर चुके थे और फिर उसके बाद फिर इसको खाली करके और बनाते जा रहे हैं। और इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से खोया भरा जाता है, इसमें काजू वगैरह है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जो चीनी है ना उसी में तिल भी डाल दिए जाते हैं, तो ऊपर से तिल खाए मतलब जैसे खाया जाता है ना तो उसके अंदर तिल का भी टेस्ट आता है। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो जिनको पढ़ करके एकदम मन खुश हो जाता है, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ पे अभी मम्मी शाम के टाइम पर बर्तन धुल रही थी चाय वगैरह के, और थोड़ी देर बाद फिर बर्तन धुलने बैठी थी और अभी सफाई कर रही हैं। पूरे दिन में इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, और इधर अम्मा पानी वगैरह पी रही हैं और भाई ऊपर छत में गए हुए हैं टहलने के लिए, और सुबह भी जाता है शाम को भी जाता है। और इधर मम्मी रोटियां सेक रही हैं, अम्मा तहरी बनाने का प्लान है तो अम्मा तो रोटियां खाएंगी और मीठी के लिए अम्मा के लिए, और जिसको एक आधी खानी होगी खा लेंगे। पापा निमंत्रण में गए हुए हैं तो सोचा कि आज तहरी ही बना लेते हैं अम्मा के लिए, मीठी के लिए बस बना दिया था, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है। और उस किचन में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है तो यहीं पर हम बना रहे हैं इंडक्शन में। और अब देसी टमाटर आने लगे हैं तो सब्जी वगैरह सब बहुत टेस्टी बनने लगी है। और इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए आलू भी रखी हुई है, इधर चावल भी धुल करके रख लिए हैं, और अम्मा कुछ लैया वगैरह खाने में लगी हुई हैं। और आप लोगों को भी बुला रही थी खाने के लिए, लेकिन सॉन्ग चल रहा था, कहीं पर शादी वगैरह हो रही थी तो इसी वजह से फिर मैंने म्यूट कर दिया। और मम्मी बोल रही हैं अम्मा को पैजामिया पहनने के लिए, लेकिन अब आप लोग खुद ही सुन लीजिए, आज ऑन कैमरा उनको दिक्कत होती है, बोलती हैं कि ठंडी है तो ठंडी तो लगेगी ही, हम नहीं पहनेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि क्या किया जाए। इधर हमारी तहरी बन चुकी है तो आप लोग भी खा लीजिए, धनिया वगैरह डाल दिया है और सुबह की कढ़ी भी रखी हुई है तो लीजिए। वह कढ़ी जो बनाई थी मिर्चा और ये तहरी, लीजिए आप लोग भी खाइए। कैसी है तहरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस टाइम पर ठंड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो अभी शाम के टाइम ही बर्तन वगैरह धुल के रख देंगे ताकि सुबह दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।